हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक और सवाल, जो कि बोर्ड पे लिखा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है 9x² - 9 इनसाइड a + bx + 2a² + 5ab + 2b² = 0। जब भी फैक्टराइजेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हम देखते हैं, और उस मल्टीप्लाई, उस प्रोडक्ट को दो फैक्टर के तौर पर हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 9 है, 9 का मल्टीप्लाई 3 × 3 होता है, 9 × 1 होता है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, इसके दो पीस और कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 9x² - 9 इनसाइड a + bx + ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक है a और b के टर्म में। ठीक है, तो a की पावर 2 है, तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हमें चाहिए 2 × 4, तो 4 प्रोडक्ट होता है 2 और 2 का, और 4 × 1, 4 × 1 से यहाँ पर 5 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b² इक्वल टू 0, ये हम इसको लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 9x² - 9 इनसाइड a प्लस bx एजिटिव, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसको आगे फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टू टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं 2a, अंदर बचेगा a प्लस 2b, a प्लस 2b, क्योंकि 2 बाहर गया है और a गया है। ठीक है, प्लस में यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं b, और अंदर बचेगा a प्लस 2b इक्वल टू 0। अगले स्टेप में वी कैन राइट इट 9x² - 9 इनसाइड a प्लस bx प्लस, अब यहां पर इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो a प्लस 2b और दूसरा है 2a + b इक्वल टू 0। अब हमें पता चल गया कि कांस्टेंट टर्म थी, उसके दो फैक्टर ये हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वापस वही आता है जो हमें गिवन है। तो एक तो ये पीस ले लेंगे और एक ये पीस, और इधर 9 है उसको हम 3 × 3 लिख देंगे, जिससे यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे इसको 9x² - 3 इनसाइड एक फैक्टर ये ले लो a प्लस 2b और साथ में x, माइनस में 3, एक ये ले लो 2a प्लस b और x, और प्लस में a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इक्वल टू 0। हमने इस स्टेप में 9x² को एडिटिव लिखा, ये तो कांस्टेंट टर्म थी इसको एडिटिव लिखा है, और जो मिडिल टर्म थी उसको हमने इस तरह से लिखा है, एक फैक्टर हमने इसका उठाया 3 के साथ और एक इसका 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस चाहिए। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे, अगर आप इनको एक्सपेंड करके जोड़ेंगे तो -9 इनसाइड a + bx आएगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसको, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस 9 हो जाएगा, और आपके पास जो है मल्टीप्लाई 9x² और कांस्टेंट टर्म का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लेते हैं और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेते हैं, जो कि हम फैक्टराइजेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 3x, और अंदर बचेगा 3x माइनस 3 बाहर गया, x गया, a प्लस 2b माइनस, यहां पर अपने पास 2a प्लस b कॉमन आ सकता है, 2a प्लस b, और अंदर बच जाएगा अपने पास 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। ओके, अगले स्टेप में 3x माइनस इनसाइड a प्लस 2b और साथ में 3x माइनस 2a प्लस b, ये फैक्टराइज। ठीक है, अब फाइनल फैक्टराइज कर चुके हैं हम इसको, इक्वल टू 0 है, तो एक बार ये फैक्टर इक्वल टू 0 और एक बार वो फैक्टर, 3x माइनस इनसाइड a प्लस 2b इक्वल टू 0 है, तो x आएगा अपने पास a प्लस 2b / 3, एंड और ये दूसरा जो फैक्टर है
ये वाला अगर 0 है 3x माइनस इनसाइड 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो यहां से x आएगा 2a प्लस b अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सॉल्यूशन जो है अच्छी तरह समझ में आया है, तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे वीडियो हम डेली डालते रहते हैं, तो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।